हेलो गाइस, सुबह शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। हमारी कौन सी है? 10.1। और हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें हम ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक रेखा मान लीजिए ए बी है, ठीक है, उसे खींचना है और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लेना है। केवल पैमाना मतलब रूलर और प्रकार का ही प्रयोग करते हुए हमें सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब इन्होंने जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम छोटा सा रफ डायग्राम बना लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इन्होंने क्या बोला है? एक रेखा ए बी लेनी है, तो हमने क्या किया है, एक रेखा ए बी ले ली है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है इसके बाहर कोई बिंदु सी लीजिए, तो हमने इसके बाहर मतलब इस रेखा पर नहीं लेना है, इसके बाहर कहीं पे भी आप कोई बिंदु सी ले लेना है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं पटरियों प्रकार की सहायता से सी से होकर ए बी के समांतर, मतलब इस पॉइंट सी से होकर इसके समांतर एक रेखा हमें खींचनी है, ये हमें रचना करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने स्केल ले लिया है और स्केल से हम बिना नाप की, इन्होंने कोई नाप दी नहीं है, कोई भी माप नहीं दी है यहाँ पे, तो हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है। और इस रेखा का नाम हमने क्या रखा है, ए बी, क्योंकि ए बी ही इन्होंने बोला था। इन्होंने कहा था इसके बाहर कोई बिंदु सी ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे जो बिंदु लिया है वो सी है, ठीक है। आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है ना, ये सी है। अब यह इस सी से होकर ही हमें समांतर रेखा खींचनी है, तो ये हम समांतर रेखा हम कैसे खींचेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी से कहीं पे भी कैसे भी चाहे तो आप यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच दो, चाहे तो इस तरीके से लाइन खींच दो, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच रही हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर ली। अब हमें करना क्या है, तो हमको प्रकार में कोई भी दूरी भर लेनी है, ठीक है। मान लीजिए हमने इतनी दूरी जो है वो भर ली, इस तरीके से एक चाप लगाया। अब ये जो दूरी जो हमने भरी थी, सेम यही दूरी से ही हमें क्या करना है, यहाँ पे चाप लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चाप लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो दूरी है यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के दूरी के बीच की दूरी जो है वो हम भर लेंगे, तो ठीक है। तो ये दूरी हमने भर ली, ये हमारी इतनी दूरी हुई, आप देख सकते हो ये दूरी और ये दूरी हमने भर ली, और यहाँ पे हमने रखा और यहाँ पे इस तरीके से एक चाप लगा दिया, ठीक है। अब हमने ये चाप लगा दिया है, अब हमको कौन सा पॉइंट मिल गया है, ये वाला बिंदु मिल गया है। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए हमें क्या करना है, रेखा खींच देनी है, ठीक है। तो हम ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब हमने रेखा खींच दी, तो ये जो हमने रेखा खींची है वो ए बी के समांतर ही होगी। अब हम नाम सारे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा ए है और मान ये तो सी हमने लिख ही दिया था, मान लो ये पॉइंट जो है वो हमारा डी था, यहाँ पे जो चाप लगा है वो हमारा क्या है, ई हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ, यहाँ पे जी, और यहाँ पे लिख देते हैं एच, ठीक है। इस तरीके से सारे नाम जो हैं वो हमने लिख दिए हैं। मान लो ये रेखा जो है वो हमारी कौन सी है, एल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी रचना हो जाएगी। अगर आपको रचना लिखनी है तो आप लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमारी रचना क्या होगी, सर्वप्रथम हमने एक रेखा ए बी खींची, ठीक है। फिर ए बी के बाहर एक बिंदु हमने सी लिया, सी से हमने एक रेखा सी डी खींची जो कि ए बी को बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। फिर कहेंगे हमने डी को केंद्र मानकर उचित दूरी से या बिना माप के एक चाप एफ जी लगाया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे उसी चाप एफ जी को लेकर, उसी चाप एफ डी को लेकर हमने एक चाप ई और एच लगाया। फिर हमने एफ और जी की दूरी भरकर एच को केंद्र मानकर एक चाप ई लगाया, ठीक है। फिर हमने बिंदु ई और सी को मिलाते हुए एक रेखा एल खींचती है जो कि रेखा ए बी के समांतर है, ठीक है। इस तरीके से हमारी रचना पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल लंब खींचिए, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इस लंब रेखा पर एक बिंदु x लीजिए जो
L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। तो इनके हिसाब से हमारा डायग्राम कैसे बनने वाला है, इसका रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक रेखा L खींचिए, तो हमने क्या की है, एक रेखा L बना ली। फिर उन्होंने कहा इस पर एक लंब खींचना है, L पर हमारा एक लंब खींचना है, ठीक है। तो मान लो L पर हमने कोई बिंदु ले लिया, मान लो ये बिंदु हमने P ही ले लिया है, इस पर हमने क्या किया है, एक लंब खींच दिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं इस लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए। ये जो हमने लंब रेखा खींची है, लंब का मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, इस पर बिंदु कोई हमें X लेना है, तो हमने X ले लिया। फिर कह रहे हैं L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, मतलब ये जो हमने x पॉइंट लिया है ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, ये वाला पॉइंट x, ठीक है। x से होकर l के समांतर एक रेखा खींचनी है, l के समांतर एक रेखा m खींचनी है, ठीक है। ये हमको रचना करनी है, तो चलिए करते हैं। अगर आप इस तरीके से रफ डायग्राम बनाते हुए रचना करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इन्होंने कोई माप तो L के लिए बताई नहीं है, ठीक है। तो हमने एक रेखा L यहाँ पे खींच ली, रेखा L हमने खींच ली। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस रेखा L पे कोई पॉइंट ले लेना है, कोई पॉइंट कौन सा ले लेना है, P लेना है। तो मान लो P पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, साइड में लिखते हैं P, ठीक है। ये P पॉइंट हमने ले लिया, अब हम क्या करेंगे, P को केंद्र मानकर एक उचित दूरी से चाप लगाएंगे, ठीक है। मान लो ये चाप इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये चाप हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो चाप लगाया है हमने, इसको प्रकार में आधे से अधिक दूरी भर लेंगे और इस तरीके से एक चाप यहाँ लगाएंगे और वही चाप जो हमने रखा था उस तरीके से यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, ठीक है। इससे जो हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा पी से इनको मिलाने पर, ठीक है, वो हमारा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हमें नीचे तो बढ़ाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बढ़ाते हुए एक एंगल बना देंगे, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का है, क्योंकि 90 डिग्री ही हमारा लंब होता है। और इन्होंने हमसे क्या बोला था, 4 सेंटी इस जो जो लंब है इस पे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट एक्स लेना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल में 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी भर ली और यहाँ पे हमने चाप लगा दिया। अब ये जो पॉइंट हमारा बना है वो हमारा x पॉइंट है। अब इसी x पॉइंट से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है, क्या बोलते हैं, एक लंब खींचना है, ठीक है। मतलब कहना है इस पॉइंट से रेखा L के समांतर एक हमें रेखा बनानी है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x पॉइंट है इसको केंद्र मानकर हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक, अरे यार मेरा प्रकार कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चाप लगाया। अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था वैसे ही हम सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप लगा देंगे और यहाँ पे जो हमारा दूसरा चाप इस रेखा को काट रहा था सेम वही दूरी से यहाँ पे चाप लगा देंगे। अब हमको एक पॉइंट मिला है, अब उस पॉइंट को एक्स से मिलाते हुए हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये बढ़ाते हुए जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये हमारी रेखा कौन सी बन जाएगी, M बन जाएगी, ठीक है। यही हमको रेखा M बनानी थी, जो कि रेखा L के समांतर है। अब इसकी अगर रचना लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक रेखा L खींची, रेखा पर हमने एक पॉइंट P लिया, P पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, या आप 90 डिग्री के एंगल की रचना लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने एक चाप ए बी खींचा, फिर ए बी का हमने अर्धक किया, ठीक है, अर्धक किया जो कि सी पे काटा, ठीक है। फिर सी और पी को मिलाते हुए एक रेखा हमने बनाई, ठीक है, जो कि रेखा एल पर लंब थी। फिर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट हमने एक्स लिया, एक्स पे सेम हमने
वही 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर एक्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाया जो कि रेखा एम कहलाई, अतः रेखा एम और एल एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं रचना लिखने के, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही लिखो, जो आपने किया है वही आप लिखिए। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है मान लीजिए एल एक रेखा है और पी एक बिंदु है, ठीक है, जो एल पर स्थित नहीं है। पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए। एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनिए। आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए। मान लीजिए यह रेखा एल से बिंदु एस पर मिलती है। समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से कौन सी आकृति बनती है? मतलब इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन लिखा है ये हमको एक आकृति बनाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था, एक रेखा एल लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रफ डायग्राम बनाएंगे। एक रेखा जो है वो हमने एल ले ली है। फिर इन्होंने क्या कहा था कि और पी एक बिंदु है जो एल पर स्थित नहीं है, तो हमने एक बिंदु पी ले लिया है जो हमारे एल पर स्थित नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक बिंदु पी ले लिया है जो कि एल पर स्थित नहीं है। फिर इन्होंने क्या बोला है, पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचनी है। तो हमने भाई एल के समांतर एक रेखा एम खींच दी है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने का क्या कहा है, ये हो गया। फिर अब पी को एल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए, तो मतलब एल पर कोई बिंदु हमें क्यू ले लेना है। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं पी और क्यू को जोड़ना है, तो भाई हमने पी को जोड़ दिया। फिर कह रहे हैं कि एम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनिए, एम पर कोई बिंदु हमने आर चुन लिया है। ठीक है, फिर कह आर से होकर पी क्यू के समांतर, ठीक है, आर से होकर पी क्यू के समांतर इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक, मतलब इसके समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। मान लीजिए यह रेखा एल से बिंदु एस पर मिलती है, ठीक है, मतलब ये एस पर मिलती है, समांतर रेखाओं से बना युग्म, तो क्या कहलाएगा? तो भाई हमने देखा है कि ये इसके समांतर बनानी थी, ये इसके समांतर बनानी थी, इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो बन रहा है वो समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो आंसर तो हमें बन मिल गया है, अब हमने डायग्राम बना लिया है। अब हम देखते हैं कैसे क्या हमको अपना डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमको, इन्होंने कोई माप तो दी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बिना माप का एक रेखा खींच दी है जिसका नाम क्या था, एल था। फिर उन्होंने कहा है एक बिंदु लेना है पी जो कि बाहर है, किससे, इस एल रेखा से बाहर है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा था कि पी से क्यू को मिलाइए। ठीक है, मैं मतलब एल पर एक बिंदु क्यू लेना था, मान लो हमने एल पर एक बिंदु क्यू ले लिया है। फिर इन्होंने कहा था पी और क्यू को मिलाना है, तो भाई हमने पी और क्यू को मिला दिया। फिर कहा कि पी से होकर रेखा एल के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो वही हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। एक क्यू को केंद्र मानकर हम एक रेखा एक चाप लगाएंगे ना, हमने कर लिया। अब आपने देखा था कि हमने कौन सा चाप लिया था, ये चाप भरा था ना, अब सेम यही चाप जो हमने भरा था, अब पी को केंद्र मानकर हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ये चाप हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो दूरी है हमारी, ठीक है, ये जो चाप हमने लगाया था ये वाली दूरी हम इसमें भर लेंगे। इस तरीके से हमने भर ली, अब हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक कट पॉइंट जो है वो हमको मिल रहा है। ठीक है, अब हम पी से इस कट पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो हमने एक रेखा इस तरीके से खींच दी, ये हमारी रेखा खींच गई है। तो ये जो हमने रेखा खींची है इसको हम M नाम दे देते हैं और ये हमारी L के समांतर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इन्होंने कहा था कि M पर एक बिंदु R लेना है, तो भाई हमने M पर एक बिंदु यहाँ पे R ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आर बिंदु मिला है, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे जो हमने चाप लगाया था पूर्ण चाप, ये दूरी जो है वो हम भर लेंगे अपने प्रकार में। हमने अपनी दूरी भर ली, यहाँ पे हम चाप लगा देंगे। ठीक है, तो चाप को हम लगा देते हैं, तो भाई ये लग गया हमारा चाप।
ठीक है, लग गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो दूरी थी इसको प्रकार में इस तरीके से भर के यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो हमको एक कट पॉइंट मिला है। अब इस कट पॉइंट से मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे जो कि हमें कहाँ पे काट रहा है, एल को एस पर काट रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा पी क्यू आर एस जो है वो हमारा क्या बना रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज बना रहा है। और समांतर चतुर्भुज क्यों है फिर से बता देते हैं, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, इस वजह से ये समांतर चतुर्भुज बना रहा है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जिसका नाम है 10.2।